दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन यानी ब्राइस टोकन के बारे में। ब्राइस टोकन की न्यूज से रिलेटेड अपडेट हम इसमें देखेंगे, बर्निंग की अपडेट देखेंगे, होल्डर की अपडेट देखेंगे, ये सारी चीजें इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम इस समय देखें तो आप देख सकते हैं बिटकॉइन जो ब्राइस टोकन है वो 2% डाउन है। ऑलरेडी मार्केट ही डाउन चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है इसको डाउन होना लाजमी है। अगर हम देखें तो पूरी जो है कि इसकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि हर रोज कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप किसी के साथ करते जा रहे हैं। यही चीज अगर ये बुल रन में कर रहे होते तो इसका इफेक्ट कुछ और होता, यहाँ पे कुछ और ही रिटर्न देखने को मिलता। लेकिन ये सारी चीजें जो ये कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, हर किसी के साथ जो है कि पार्टनरशिप हो रहा है, हर जो भी पार्टनर कर रहे हैं कुछ ना यूनिक चीज है जिसके साथ ये पार्टनरशिप कर रहे हैं। इनका ब्लॉकचेन है जो जीरो फी के अकॉर्डिंग है, ये वेव थ्री में भी आना चाह रहे हैं, इनका एनएफटी है, ये सारी चीजें ये कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो अपने आप पे बहुत ही मीम क्वाइन की कैटेगरी में देखें तो बहुत अच्छा क्वाइन है। अब अगर हम इसकी देख लेते हैं ऑल टाइम हाई, तो अपने ऑल टाइम हाई से ये 80% डाउन है, ऑल टाइम लो से ये 58,720% ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है। क्योंकि ये इसकी खुद की ब्लॉक चेन है तो उससे लोगों को ट्रस्ट जो है लेवल वो बढ़ता जा रहा है, काफी लोग इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें इसकी वॉच लिस्ट जो क्वानगी को वेबसाइट उस पर वॉच लिस्ट में लोगों ने ऐड किया है, 35,394 लोगों ने अपने वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या मूवमेंट होता है, यानी वॉच कर रहे हैं इसको। अगर दूसरी चीज हम इसकी ट्विटर हैंडल पे चले तो देखिए ट्विटर हैंडल पे इन्होंने 21 घंटे पहले एक पार्टनरशिप किया, जो मैं आपको बता रहा था हर रोज कुछ न कुछ किसी न किसी के साथ इनका पार्टनरशिप चलता ही रहता। वीआ देखिए रेंगो करके एक एक्सचेंज है जो उसने यहाँ पे बोला है कि वी आर सुपर एक्साइटेड टू अनाउंस आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद बिटकॉइन ब्राइस, वी विल इंटीग्रेट बिटकॉइन इनटू आवर क्रॉस चेन प्रोटोकॉल, आफ्टर दिस इंटीग्रेशन यूजर कैन इजिली स्वाप देयर एसेट्स फ्रॉम 45 ब्लॉकचेन्स टू बिटकॉइन और वाइस वर्सा। ठीक है, तो 45 बिटकॉइन जो है कि चेन जो होंगे ब्लॉकचेन से वहां से ये वो उसको स्वैप कर सकते हैं। तो ये जो है कि देख रहे हैं कि धीरे धीरे किसी ने किसी के साथ ये पार्टनरशिप चल ही रहा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पार्टनरशिप क्या है इनका, 22 घंटे पहले इन्होंने किया पार्टनरशिप कर्ल फाइनेंस लैब टू इंटीग्रेट बिटकॉइन चेन। इनके चेन को यानी ब्लॉक चेन को हर कोई इंटीग्रेट करना चाहता है, इतनी जल्दी जल्दी इनकी पार्टनरशिप बन रही है, अपने आप में बहुत ही बहुत बड़ी बात है कि एक मीम कॉइन की कैटेगरी के इतनी तेजी से अपने कॉइन को डेवलप कर रहा है। और हर जगह ये जो है कि पूरे मार्केट में जहां भी जाओ ये इसका चेन होना चाहिए, इसलिए इस पे काम कर रहा है। देखिए हर कोई क्या करता है कि इस पे लिस्टिंग हो गई, इस पे लिस्टिंग हो गई, ये करो वो करो, लेकिन ये अपनी नेटवर्क को बढ़ा रहा है। ये बिटकॉइन जो प्राइस है वो अपनी नेटवर्क, जब सारा जगह इसका नेटवर्क फैल ही जाएगा तो कोई क्यों नहीं इसको लिस्ट करेगा। अगर लिस्टिंग में देखे तो टायर वन की लिस्टिंग में ज्यादा लिस्टिंग नहीं हुई है, जैसे बाइनेंस अगर लिस्ट करता है, ये सब जो है कि जो बड़े बड़े एक्सचेंज लिस्टिंग्स पे होता है काफी अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी बर्निंग से कि बर्निंग स्पीड क्या है, बर्न अभी 24 घंटे में कितना बर्न हुआ, एक महीने में कितना टोकन बर्न हो चुके हैं, और ये सारी अपडेट देखेंगे कि और होल्डर इसमें कैसे बढ़ रहे हैं, डेली बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डेली बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, हर घंटे इसमें अपडेट हो रहे हैं होल्डर्स की नहीं हो रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टोकन को आप अगर उसमें डिसीजन लेना है आपको बाय एंड सेल करने के लिए। तो चलते हैं हम इसकी बिटकॉइन ब्राइस टोकन की हम बर्निंग देख लेते हैं कि बर्निंग में क्या चल रहा है इसका। ठीक है, तो हम बर्निंग से रिलेटेड अगर हम आते हैं वेबसाइट पे, वहां पे इसको हम बिटकॉइन ब्राइस को सर्च करते हैं, तो यहाँ बर्न ट्रैकर है, बर्न ट्रैकर में हमने डाल दिया बिटकॉइन, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब इसकी हम देख लेते हैं कि इसने कितना बर्न किया, बर्न रैंक क्या है इसकी 30 है, और यहाँ पे इसने एक घंटे में आप देख सकते हैं कितना इसने टोकन बर्न किया है, जिसकी कीमत है $4 के करीब। एक घंटे में वो था, अब यहाँ पे देखिए 24 घंटे यानी वन डे में इसने कितने टोकन बर्न किया। अगर टोकन की हम बात करें तो आप अगर इसको कन्वर्ट कर देते हैं वर्ड में, नंबर है तो वर्ड में कन्वर्ट करते, एग्जैक्ट चीजें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इसलिए यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। 221,311,941.74 के करीब इसने क्या किया है टोकन बर्न किया, यानी अगर मोटा मोटा अगर देखा जाए 221 मिलियन के करीब इसने टोकन 24 घंटे में, जिसकी कीमत हो जाती है $80। अब देखिए एक हफ्ते में कितना इसने बर्न किया है, जिसकी कीमत है $400। एक महीने में कितना बर्न किया है यहाँ पे देख सकते हैं, जिसकी कीमत है $2,029।
और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3 महीने में कितना इसने बर्न किया, $10,361 के करीब इसने बिटकॉइन ब्राइस टोकन को अपने बर्न किया। तो बर्न ठीक ठाक है, बहुत बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए इसकी अगर बेबी डॉस से कंपेयर करेंगे तो बेबी डॉस तो बहुत ज्यादा ट्रिलियन में वो अपने सब जो है कि टोकन बर्न कर, लेकिन कहीं ना कहीं बेबी डॉस की बहुत ज्यादा सप्लाई भी है, 159 क्वाड्रिलियन है, और यहाँ पे 1 क्वाड्रिलियन ओनली है, यानी सिर्फ 1 क्वाड्रिलियन, उसमें से भी इसने 50% आप उसने तुरंत बर्न कर दिया था, यानी 500 ट्रिलियन के करीब इनकी सप्लाई बची। उसके बाद इन्होंने और भी बर्न किया तो 427 ट्रिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई में, तो सप्लाई कहीं नहीं कम है, तो इतना बर्न हो रहा है तो बहुत ठीक ठाक बर्न हो रहा है। अब हम होल्डर की अपडेट करें कि इसके होल्डर कैसे बढ़ रहे हैं, 1 घंटे में, 1 हफ्ते में, 1 दिन में कैसे बढ़ रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ 1 आवर में, इसमें 1 घंटे के अंदर अंदर 18 होल्डर इंक्रीज कर लिया इसने, और 1 दिन में 144 होल्डर आए हैं, 7 दिन में 414 होल्डर, 1 महीने में 1,933 और 3 महीने में 14,798 होल्डर बढ़े हैं। तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि इसके होल्डर्स भी पड़ रहे हैं। अगर हम इसको होल्डर्स चेक करें वहाँ ही तरह स्कैन जो भी बीएससी स्कैन पे है, तो वहाँ पे देख लेते हैं टोटल होल्डर्स कितने हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,72,543 होल्डर्स ऑलरेडी हो चुके हैं बीएससी स्कैन पे इसके। तो ये थी कुछ अपडेट बिटगर्स से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।